हमारे घर के मंदिर में शिव जी की मिट्टी की मूर्ति है और वो खंडित हो गई है, अब हम क्या करें? तो ये सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप नवरात्रि करते हैं तब आप मूर्ति लाते हैं मिट्टी की बाजार से, उसे स्थापित करते हैं। आप गणेश उत्सव मनाते हैं तब मूर्ति लाते हैं, आप उसे स्थापित करते हैं, और स्थापित करने के बाद वो खंडित नहीं होती है तो भी आप उसका क्या प्रयोग करते हैं? आप उसे घर में नहीं रखते हैं, आप उसे विसर्जन कर देते हैं। और जब विसर्जन करते हैं तो हम विधि करते हैं घर पे, तो जब विधि हम पूरी कर देते हैं तो उसे विसर्जन करने का ही धर्म होता है। अतिथि समझ कर, मेहमान समझ कर हम उनको लाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और हम उनको पुनः वही पहुँचा दे विसर्जन। क्योंकि पानी में जो चीज चली जाती है वो अपने आप ही अपने तत्व में विलीन हो जाती है, इसीलिए बहते हुए पानी में हम मूर्तियां डालते। तो शिव जी की जो मूर्ति आपके यहाँ खंडित हो गई है उससे कोई पाप आपको नहीं लगेगा, पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, कोई भी अपराध आपको नहीं लगता है। एक दूसरा, आपके हाथ से भी मूर्ति खंडित हो गई है तो भी आप अपराधी नहीं है, पापी नहीं, तो भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, पर इतना है कि आप सोमवार के दिन कोई भी मूर्ति शिवलिंग ला करके आप अपने घर में उसे परात में रख के अभिषेक करो, और अभिषेक करके पूजा करके आचार्य पंडित जी के द्वारा, या खुद जानते हो तो मंत्र बोल के, नहीं तो पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल के भी स्वयं भी अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक करके विधि विधान से पूजा करके आप रख सकते हैं, और जो मूर्ति जो थी उसको भी विधि करके विसर्जन आप कर दें। इसकी सबसे उत्तम विधि यही है। आप इसको जोड़ेंगे, उसमें और कुछ चिपकाएंगे और फिर आप उस तरह समझेंगे तो आप जोड़ के उसे रख सकते हैं, तब भी कोई पाखंड नहीं और कोई 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 पाप नहीं है। क्योंकि हम व्यक्ति के भी हाथ पैर टूट जाते हैं जोड़ते, और उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर देते, कोई कोई लंगड़ा ही रहता है जिंदगी, वो ठीक नहीं होता तो भी वो पति रहता है, पत्नी का, बच्चों का बाप ही रहता है। तो आपके लिए तो वो खंडित हो गया तो भी वो भगवान ही, आप उतनी श्रद्धा रखिए, और वो जुड़ जाए तो जोड़ लीजिए, न जुड़े तो आप उसे हटा दीजिए, उसकी जगह दूसरा लाके स्थापना कर दीजिए और उसे विसर्जन कर दीजिए, कहीं स्थापित कर दीजिए। नहीं तो आप अपने घर में, जो आपके यहाँ घर में कोई जगह ऐसी हो, कोई पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, आप उसके नीचे भी स्थापित कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, जिस पे आप पानी चढ़ाते हो वहाँ भी रख सकते हैं। शिव जी की जो मूर्ति है ना वो तुलसी के गमले में भी रखी जाती है, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, तो तुलसी के साथ में वो अभिषेक भी हो जाएगा और घल के वो तुलसी के साथ जुड़ जाएंगे और वो अपने आप ही प्रकृति स्वरूप हो जाएंगे, और आप उनका सही प्रयोग भी हो जाएगा और आपके दिमाग में जो संशय और बोझ है वो बोझ भी आपका हट जाएगा। पर सोमवार के दिन आप ये प्रयोग करके आप अपने संशय को मिटा लीजिए, वैसे आप कोई पाप में नहीं पड़े हैं, आपको कोई परिणाम गलत नहीं भोगना पड़ेगा, पर आप ये स्थापना करेंगे तो आपकी मानसिक और सामाजिक संतुष्टि होगी, घर के लोग भी खुश होंगे, ऐसा हो गया तो ये सामाजिक संतुष्टि और आपकी बुद्धिक मानसिक संतुष्टि होगी, आप पूरी तरह से आजाद हैं, प्रसन्न हैं, आप कोई बंधन में नहीं, कोई पाप में नहीं पड़ते, ऐसी मूर्ति खंडित हो जाने से कोई दुख नहीं होता इस चीज का, आप दुख मत मनाइए और आप प्रसन्नता पूर्वक जो विधि मैंने बताई है आप वो विधि कर सकते हैं। केवल शिव जी की मूर्ति के बारे में प्रश्न आया है, पर हमारे मंदिरों में और भी मूर्तियों के हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, किसी का मुकुट टूट जाता है, किसी का कुछ, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। एक माता जी तो अभी अभी आई थी मेरे पास में, वो रो रही थी, 4 दिन से खाना नहीं खाया उसने, उसके गोविंद की, गोपाल लड्डू की ऊपर से पगड़ी बाल उखड़ गए, चले गए और बहुत रोए, बहुत रोए। वो उपाय पूछ रही है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ये भगवान का ऐसा हो गया। तो वास्तविकता तो यही है, पीड़ा तो इतनी होनी चाहिए जब हम उनको मानते हैं सच्चा, तो क्योंकि मेरे बच्चे की अगर खोपड़ी फूट जाए तो माँ कैसी दुखी होती है। तो मान्यता तो यही है भगवान की, अपने बच्चे के प्रति जो भाव है, प्रेम है, ममता है, वही भगवान गोपाल लड्डू के प्रति था उनका, इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर उनको रिलैक्स किया। कि जैसे हम अपने बच्चे का इलाज करवाते रोते धोते, वैसे ही भगवान का भी आप उपचार कर लीजिए, उनको रिपेयर भी कर सकते हैं, और रिपेयर करके आप जो की त्यों भगवान को सम्मान प्रतिष्ठा के साथ देख सकते हैं, आपको कोई अपराध नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है, भगवान का किसी भी अंग के टूटने से भक्त को कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि भगत भगत होता है, गलती भगत से हो जाती है और उस हिसाब से वो या गिर जाते हैं स्वयं से, या बिल्ली चूहा कोई गिरा देते हैं, तो वो आखिर में तो प्रकृति का ही तत्व है बना हुआ और मान्यता का ही भगवान है, इसीलिए वो नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।